सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपको और एक नया वीडियो में। आज हम बात करेंगे, वो करते हो कि हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर मशीन सीखेंगे, जेसीबी हो चाहे आपका एक्सेवेटर हो या डंपर हो, हम लोग आप लोग क्या करते हैं, जाके ट्रेनिंग सेंटर में सीखेंगे। अभी ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है और फिर मतलब साइट पे क्या होता है, इसमें आपको समझाएंगे, आपको कौन सही लगता है उसके बाद आप बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मान लीजिए आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में आपको सिखाएगा पूरा, आपको ज्यादातर सिखाएगा वो प्रैक्टिकल में, थ्योरी का ज्यादा नहीं हो। आपको जो होगा किताब में लिख के या कागज बोर्ड पे लिख के आपको खाता में नोट करने वालेगा, आप लिखेंगे वही सीखेंगे। जो थियोरिकल होता है मतलब मशीन में जाके आपको बैठ के चलाने वाला पोजीशन, वो भी सिखाएगा, लेकिन वो पोजीशन जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। आपको मिट्टी हटाने बोलेगा या थोड़ा थोड़ा स्लोप ये होगा वो काटने बोलेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा गड्ढा उड्ढा होगा वो मारने बोलेगा। लेकिन जो साइड पे आपका जो होता है वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आप वहां से सीख के आए ट्रेनिंग सेंटर में, आपको दे दिया कि आपको 50 फुट का एक तो स्लैब बनाना है। आप स्लोप बनाते बनाते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, 50 फुट का जब स्लोप मारेंगे नीचे से ऊपर तक तो आपको काफी परेशानी आएगा। आप तो साइड पे सीख के आए कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जब आप फील्ड पे जाएंगे ना 50 फुट का स्लोप मारेंगे तब तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। अभी इसीलिए मेरा मानना है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर से अच्छा आपको फील्ड पे ही अच्छा है, चाहे ऑपरेटर को पकड़ के मालिक को पकड़ के आप मशीन सीखिए। हाँ, 1 साल 1.5 साल आपको तकलीफ सहना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपका ही लाभ। आप बोलिए क्या लाभ है, आपको उसमें क्या होगा, मशीन का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक, आप उसमें तो जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, आप सीख लेंगे मशीन, आपको फिर साइड में जाएंगे फील्ड पे मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ से हुआ है, ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अगर फील्ड पे काम सीखते हैं तो आपको पूरा प्रॉब्लम आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये हो सकता है ये हो सकता है। अब फील्ड पे रहने से आपका लाभ क्या है, फील्ड पे रहेंगे तो आपको पूरा मशीन की पूरा एकदम जानकारी मिल जाएगा। फील्ड पे अगर काम करते हैं तो आप कहीं पर भी फेल नहीं करेंगे। हाँ, 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन आप कहीं पर भी फेल नहीं करेंगे। अब मशीन ट्रेनिंग सेंटर से मान लीजिए सीख लिए तो आपको मान ली 10 जगह आप टहल दिए तो 5 से 7 जगह फेल ही कर जाएंगे। अब हो सकता है 1-2 साइड में आप पास कर जाए। आप सोच लीजिए आपका कहाँ से सीखने का इच्छा है, आपका मर्जी है। बस यही बताना था, इसलिए छोटा सा एक वीडियो बना दिए। 18 से ही चल रहा है इसे ट्रेंड कि ट्रेनिंग सेंटर जाना है, ट्रेनिंग सेंटर जाना है, लेकिन भाई ट्रेनिंग सेंटर में उतना अच्छा क्लियरिटी नहीं मिलेगा। ठीक, आप कहीं पर भी जाइए, कितने भी ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, आपको उतना क्लियरिटी कहीं नहीं मिलेगा जो एक फील्ड पे मिलता है। आप 1 फील्ड से 2 फील्ड से काम करेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मशीन किस पोजीशन में कैसे चलाना है, वो आपका मेन रहता है साइड पे जाने के बाद। तो हमें उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट जरूर करें आपको किस बारे में वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।